आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 1589 एक्टिव इन्फेक्शन, 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, 335 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के, 1589 एक्टिव इन्फेक्शन है और 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, कुल मिलाकर के 1955 और ये 59 जिलों से आए हैं। एक नया जिला जो आज ऐड हुआ वो सुबह में वो झांसी है। 59 में से 9 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है। वो पीलीभीत में एक केस आया है जो इंदौर से एक कुछ श्रमिक आए थे, उनके चेकिंग टेस्टिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया गया है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की कुल संख्या 1784 है, 1784। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी सभी स्टेबल हैं, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है। क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो लोग रखे गए हैं, जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या जो सर्वेलेंस से जो लोग निकल के आते हैं, उनकी संख्या 11,363। मेडिकल इन्फेक्शन के लिए एक जनपद स्तर समिति बनाई जा रही है, उसका आदेश जारी कर दिया गया है, आज शाम तक वो समिति बन भी जाएगी, जिसमें एडिशनल CMO उसके हेड होंगे और उसमें जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, IMA, WHO, UNICEF के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी प्रतिनिधि होंगे। इन्हें यह मैंडेट दिया गया है, ये समिति परसों जो भी बड़े जिले हैं उनमें कम से कम 10 बड़े निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर्स और स्टाफ को, और जो छोटे जनपद हैं उसमें कम से कम 5 निजी चिकित्सालयों के स्टाफ को ये ट्रेन कर देंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल पर, ताकि जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो लोगों को सुचारू रूप से मिल सकें और उसमें जो एक बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखने में आ रहा है, जो मेडिकल इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सके, उसको न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि ये जो संक्रामक बीमारी है इससे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम छुपाएं, जिसमें कोई स्टिग्मा हो, चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया है व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ है। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया है। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना, हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 है यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ PPE किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है
व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तीसरा जो उन्होंने आदेश दिया है वो यह है कि जनपद के हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियोटैग तो कर ही दिया जाए, हर जनपद में कम से कम 15,000 से 25,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिए जाए। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15,000 से 25,000 लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी,